वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी क्वेश्चन सॉल्व करने की और नॉलेज गेन करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। विच कंट्री साइंड द हिस्टोरिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CEPA बोलते हैं हम, वो इंडिया के साथ किसने साइन किया है, जो अफेक्टिव होगा इन मार्च 2022। ये काफी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि इम्पोर्ट पे टैरिफ्स नहीं लगाते हैं, और ये काफी इम्पोर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए, राइट। अब UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उनके साथ हमने ये साइन किया है, और यहाँ पे ट्रेड को बूस्ट करने की बात की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारा बजट आता है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी आवश्यक हो जाती हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स इज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल, ये पता करना है हमको। तो आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट्स का मैंशन है, ठीक है। आर्टिकल 112 जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। थर्ड है आर्टिकल 111, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ रखे हैं UPSC में। तो आर्टिकल 110 जो है ये हमारा मनी बिल को बताता है, उसकी डेफिनेशन को बताता है। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया, उसके संदर्भ में हमें बताना है कि जो सूफी मिस्टिक्स होते थे, देवर नोन टू परसू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वो करते थे। तो क्या वो मेडिटेशन और कंट्रोल ऑफ ब्रेथ करते थे। देखिए, जो सूफी सेंट्स होते थे या कोई भी साधु होगा, वो मेडिटेशन जरूर करेगा। मेडिटेशन से ठहराव आता है, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आध्यात्म के लिए। दूसरा है सिवियर एसिटिक एक्सरसाइजेस इन अ लोनली प्लेस, तो ये भी आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है। रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, तो सूफी सॉन्ग्स आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बिल्कुल करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट। हमारा आंसर होता है डी ऑप्शन 1, 2, 3, ऑल आर करेक्ट। भक्ति सेंट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। भक्ति मूवमेंट जो था उसमें उनके प्रोपेगेशन में इन साधुओं ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। दादू दयाल हो गए हमारे, गुरु नानक हो गए, त्यागराज हो गए, देवो भक्ति सेंट्स। तो इनमें से कौन वो इंसान है, कौन वो सेंट है जो बाबर ने टुक ओवर किया था लोदी डायनेस्टी को, जो उस वक्त प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सिर्फ गुरु नानक जी जो थे वही थे। इनका जो बर्थ है गुरु नानक जी का 1469 में हुआ था, और यहाँ पे बाबर ने कब टुक ओवर किया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में। तो ये कंटेम्प्रेरीज थे गुरु नानक जी और बाबर, ठीक है, और इनफैक्ट ये एक बार मिले भी थे। चलिए आंसर होता है हमारा बी ओनली। व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है और ये जो इनके यूजेस होते हैं हमारे एग्रीकल्चर पे हो गए या बाकी जगहों पे, काफी यूजफुल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नैनो फर्टिलाइजर्स है हमारे, इनके फायदे देख लेते हैं सबसे पहले, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। तो क्रॉप यील्ड ग्रोथ होगी आपकी, टॉलरेंस बढ़ेगा, सॉइल एनहेंसमेंट होगी, प्रिसिजन फार्मिंग होगी, जो टारगेटेड एरिया है बहुत अच्छे से वहां पे ये रिजल्ट लेकर आएगा। क्रॉप प्रोटेक्शन होती है, क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ एडवांटेजेस पे ध्यान देना है और हमें बताना है कि कौन से एडवांटेजेस हैं। दे इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ नाइट्रोजन डिलीवरी, बिल्कुल सही है। दे रिड्यूस द लॉसेस टू द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही। द सेविंग्स इन टॉप ड्रेस नाइट्रोजन, जो सेविंग होती है टॉप ड्रेस नाइट्रोजन में, वो जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है 25-50% तक। फार्मर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इनकी इनकम भी इंप्रूव होगी। टॉप ड्रेस नाइट्रोजन क्या होता है, तो जब हम नाइट्रोजन की सेकेंड लेयर ऐड करते हैं क्रॉप्स पे, तो उसे टॉप ड्रेस नाइट्रोजन बोला जाता है। इसे करने से क्या होगा कि 25 से 50% जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बचत होगी फार्मर्स की।
तो हमारा आंसर होता है कि सभी जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना जो बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, ये क्या था? तो ये एक हॉल था जिसमें अकबर जो हैं वो डिस्कशंस करते थे, स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स थे। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस क्या हैं, क्या ये मॉस्क था फॉर यूज ऑफ रॉयल फैमिली? नहीं था। अकबर प्राइवेट चेंबर प्रेयर? नहीं। एंड लास्ट है हमारा कि यहाँ पे रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। दीन ए इलाही जो है वो भी अकबर ने ही शुरू किया था। इन मिडीवल इंडिया द डेजिग्नेशन मेहतरा एंड पटाकिला वर यूज फॉर विलेज हेडमैन। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसका मतलब नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो नहीं होगा आंसर, ना ही वैदिक रिचुअल के स्पेशलिस्ट जो हैं वो होगा, चीफ ऑफ क्राफ्ट्स गिल्ड ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर है हमारा बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो? काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है क्योंकि इसने रिप्लेस किया है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को। क्या है ये इंस्टीट्यूशन? तो ये एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है। अब हमें यहाँ पे नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, इसकी डेफिनेशन यहीं पे मिल जाएगी आपको। क्या ये सेटअप हुई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2020? दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है पहली बात, दूसरी बात इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और 2020 में नहीं, ये 2022 में फॉर्म की गई है। क्लियर, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होती है। थर्ड, इट रिप्लेस्ड बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। फोर्थ है, क्या इसका एम जो है वो क्या है, किस लिए बनाई है? तो इट एंश्योर्स प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द टैलेंट फॉर सीनियर पोजीशंस एट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे ध्यान देना है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सब कुछ क्लियर है, इससे कोई भी सवाल आएगा कंफ्यूजन नहीं होगी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है? पहला है, क्या ये बीजक जो है एक कॉम्पोजिशन है ऑफ द सेंट दादू दयाल? रॉन्ग हो जाता है क्योंकि बीजक जो है कबीर जो है हमारे, उनका ये कॉम्पोजिशन है। ठीक है, कबीर निर्गुण भक्ति को दर्शाते हैं, उनके जो गुरु हैं वो रामानंदा जी हैं। फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया था, इसका मतलब होता है ग्रेस ऑफ गॉड। माधवाचार्य जो है इन्होंने अद्वैता स्कूल का फॉर्मेशन किया था और ये वैष्णवाइट थे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे 40% वर्ल्ड के केसेस देखे जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, जबकि यहाँ पे इलाज भी चल रहा है। तो WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 1/4 जो है ग्लोबल इंसिडेंट अकर इन इंडिया एनुअली। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना। मार्च 24 को ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, हमने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक नेशनल टारगेट भी सेट किया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टारगेट फॉर इंडिया टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, और हमने 5 साल का ग्लोबल टारगेट रखा है। कि टारगेट्स क्यों रखे जाते हैं? ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। सेंट निम्बार्क जो हैं, क्या ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के? तो इससे ऐसे जो सवाल आते हैं इससे क्रोनोलॉजी पता चलती है हमें, और भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस नहीं कर सकते, और साथ ही साथ ये जो एम्परर्स थे उनको भी हम मिस नहीं कर सकते जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। तो ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है हमारे साधु महात्मा जी ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में थे। अकबर जो है ये 16वीं शताब्दी में इन्होंने रूल किया था इंडिया पे, राइट। अब संत कबीर जो है वो उनके गुरु कौन थे? रामानंदा जी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, और हमारा आंसर होता है डी, नीदर वन नॉट टू। वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने शिफ्ट किया था अपना एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट?
तो जो भी रूलर आते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जहांगीर जो थे उनका रुचि जो था वो पोर्ट्रेट्स पे था, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। वो खुद भी बहुत बड़े पेंटर थे। तो यहाँ पे आंसर होता है जहांगीर। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकातिया किंगडम। तो हमारा आंसर होगा मोटुपल्ली। जो भी किंगडम्स थे जैसे, या फिर संगम पीरियड हो गया, ये जो डायनेस्टीज आई, पीरियड्स आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गुप्ता पीरियड हो गया, तो इनके टाइम पे जो भी सी पोर्ट्स था उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेड जो है हमारा सी के थ्रू हम हड़प्पा टाइम से करते आ रहे हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड 75 बिलियन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया आए थे, विजिट किया था, और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड बनाएंगे, किसके लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ये हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ये रखेंगे इमरजेंसी के रूप में। निसार, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट। साथ ही साथ हमारे जो अर्थ सिस्टम है ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइंस सैटेलाइट है। इट हैज बीन जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड बाय नासा एंड इसरो हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी होने वाली है, ऑब्जर्वेशन होने वाला है। यहाँ पे जो सैटेलाइट है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दोनों कंट्रीज बना रही हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो है इस सैटेलाइट के थ्रू स्टडी किए जाएंगे अर्थ के, जैसे वोल्केनोज हो गए हमारे, सुनामी हो गया, राइट, अर्थक्वेक्स हो गए, कुछ भी। इनफैक्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर में कार्बन जो है वो कैसे जा रहा है एनवायरमेंट में, प्लांट्स में, ट्रीज में, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी, डीप स्टडी की जाएगी वाटर की, हर एक चीज की। तो ये ओवरऑल स्टडी होगा अर्थ का, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के हमारे लिए, क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे फ्यूचर में कुछ भी अगर होता है तो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, टेक केयर।